अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो लेकर आई हूँ, जो है खड़े मसाले का स्टू। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से बताऊँगी कि खड़े मसाले का स्टू आप कैसे बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है, यहाँ पर मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने। आपने सादा गोश्त लेना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप बना सकते हैं। 4 अदद मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लिया है। 2 खाने के चम्मच यहाँ अदरक लहसुन लिया है मैंने। यहाँ पर आप अदरक लहसुन को बारीक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पेस्ट लिया है। 2 मैंने यहाँ दरमियाने टमाटर काटे हैं, दरमियाने साइज़ के। यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, 1 प्याला मैंने यहाँ पर दही का लिया है। आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, दही की कम कर दें। और यहाँ पर 1/2 प्याले के करीब मेरे पास है तेल। यहाँ पर मैंने लिया है गोल सुर्ख वाली मिर्च, जो साबित मिर्च होती है, इनको मैंने 1/2 1/2 काट लिए हैं। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया, आधा खाने का चम्मच। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ साबित ज़ीरा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3 दाने मैंने यहाँ बड़ी इलायची के लिए हैं, 4 से 5 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं। बनाते हैं अपनी जल्दी से वीडियो और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितने झटपट तरीके से मैं आप लोगों को ये वीडियो में रेसिपी बनाना बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और चढ़ाते हैं अपना कुकर। कुकर रख दिया मैंने चूल्हे पर, अब मैं चूल्हा जला लिया मैंने। सबसे पहले डालेंगे हम गोश्त। प्याज डाल देंगे यहाँ, 4 अदद मैंने यहाँ प्याज लिए हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। 2 अदद टमाटर है, इनको भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिया, 1 चम्मच नमक, और 5 से 6 दाने मैंने यहाँ पर लिए हैं साबित मिर्चों के, इनको मैंने काट लिए हैं। हल्दी ऑप्शन है आपके पास, आपने हल्दी डालनी है तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, मैं डाल रही हूँ। ये सारे गर्म मसाले जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं ये भी डाल देते हैं। आधा प्याला मैंने तेल का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ये भी डाल देते हैं। अच्छे से बर्तन साफ़ करके आप इस्तेमाल किया करें, चीज़ें डाला करें। इनको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त की भुनाई हमने बाद में करनी है, जब हमारे सारे मसाले अच्छे से गल जाएंगे। 1/2 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाना है, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने यहाँ पर, तो इनको 1/2 घंटा लाजमी लगेगा इनको गलने के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लें तमाम मसालों को। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी डालना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। 2 गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, 1/2 घंटे के लिए मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 1/2 घंटे के बाद। दही का इस्तेमाल हमने अभी नहीं करना है, जब हमने प्रेशर खोलना है उसके बाद जब हम गोश्त की भुनाई करेंगे फिर हम दही डालेंगे। अभी मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए प्रेशर लगाना है, मिलती हूँ 1/2 घंटे के बाद। 1/2 घंटा हो गया, मैंने प्रेशर खोल लिया है, माशाल्लाह से हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। अब मैं डाल दूँगी इसमें दही, जो हमने एक पहली दही ली थी, इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने दही के पानी में ही हमने अपने गोश्त को भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। आधे घंटे के लिए मैंने यहाँ प्रेशर लगाया था, गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अब जो यहाँ दही का पानी निकलेगा हमने इसी में गोश्त की भुनाई करनी है। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारे गोश्त का जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और बहुत ही मज़ेदार सा स्टू बनकर तैयार हो जाएगा खड़े मसाले का। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको भूनती हूँ। अभी 5 मिनट हुए मुझे यहाँ गोश्त को भूनते हुए, 5 मिनट और लगेंगे हमारा ये पानी दही का जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। म
माशाल्लाह से मैंने गोश्त भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा स्टू खड़े मसाले का स्टू बनकर तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही मसालेदार है। अब मैं इसे चूल्हा बंद करके निकालती हूँ। माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा आप लोग मेरी ये रेसिपी को देखकर, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। आप लोग इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, खड़े मसाले का स्टू। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।